जमीर अहमद खान को दौलत देवर को दुआ नहीं करना, जमीर अहमद खान को मिनिस्ट्री बनाकर को दुआ नहीं करना, जमीर अहमद खान को सेहत तंदुरुस्ती देवर को दुआ नहीं करना। तुम्हें जब जब तुम्हें नमाज पढ़ती खाली में रखते हो, हमारा बच्चा जमीर अहमद खान को तो जब तक जिंदा रखता उसे और हम खिदमत करने की तौफीक पता कर रखते हैं। दुआ में दरखास्त करते हुए हमारे छोटे बहन को हमारे साथ देते हुए मेरा खुद इनकी कमी के वास्ते क्या भी ऑफिस खोलेंगे, इसके पहले भी बोले बता कि जमीर जो ऑफिस खोल रहा वो उनके रियल एस्टेट करने की क्या दूसरे कमाने के वास्ते रखो नहीं भैया, ये जो भी ऑफिस को सोशल वर्कर करने के वास्ते आवाम का एक गरीबा की मदद करने के वास्ते रखो तो ऑफिस खोलिए। हमें तुम्हारा साथ दे ये नेक काम अल्लाह को ये नेक काम में दूसरे के लिए सही है जो तो काम करता उसमें अल्लाह तुझे कभी भी मदद कर देता। मैं नौजवानों से भी आज इधर आखिरी में गुजारी नौजवान भूल से ही अब हरम भी कर्नाटक के अंदर पूरे सियासत परिसर ये जमीर अहमद खान क्या कर रहे हो, कोशिश क्यों कुछ तो क्यों दी मजीदा को भी होती शादियाँ करा होती हजम को भी करती ये कान से वो पैसे लगे तो हर सियासतदार परेशान है। मैं हर एक नौजवान से आज इधर गुजारिश आज तुम्हें जो भी कमा रही एक एग्जाम्पल दो मिसाल दे रहा हूँ आज तुम्हें जो भी कमाना है तुम्हें कमा रही तुम्हारी कमी में एक पैसा दे रहा हूँ। तुम्हें 10,000 कोई कमाता कोई 20,000 कमाता कोई 50,000 कमाता कोई 1,00,000 कमाता तुम्हारी कमी में तुम्हें दे रहा हूँ। जितना तुम्हें कमाती ये 10,000 कमाने वाला आज से तुम्हें नियत कर दिया अल्लाह को हर महीना से 10,000 रुपये तुम दे रहा तुम्हें वो तुम्हें गरीबा की मदद कर रहा हूँ उसके ऊपर अल्लाह को जो भी मदद देता 10,000 के ऊपर भाई 70% कौन के वास्ते खर्चा करते हो नियत कर दिया तुम्हारी महीने की कमी 30,000 से 40,000 होती है और 10 गुना गरीबा की मदद करके आखिर के अवसर को तुम्हारी कमी में पैसा दे लोगों तुम्हें तुम्हारी कमी में दे लोगों नियत कर लेते हो अल्लाह ये कमी हमारी यकीन तो देखो है उसके ऊपर जो भी देता आज के बाद मैं गरीबा के वास्ते 70% कमा के बोला तुम्हें सब सदी रहमत खाना होगी और हजारों रुपये का भी फायदा होता तुम्हारा भी फायदा होता। ये कहते हुए दुआ की दरख्वास्त करते हुए मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज़।